Hi, I am your physics sarthi, Madhumita Mukherjee. I promise a better scoring in your physics. अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आया था 2017 में। का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या बोल रहा है? द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज दे दिया हम वाई इक्वल टू 3 साइन पाई टी बाई 3 माइनस एक्स बाई 5 प्लस वाई बाई 4 वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर एंड टाइम इन ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन का ए ऑप्शन क्या है? वेलोसिटी वी इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड, थोड़ा सा अलग करके दिया है ना। एम्पलीट्यूड कैपिटल ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू 0.2 हर्ट्ज एंड डी ऑप्शन दिया है वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 10। क्या बोला है? इक्वेशन तो दे दिया। इक्वेशन देख के ए दो लाइन तो स्टैंडर्ड है। एक्स वाई इन मीटर टाइम इज इन सेकेंड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? वेलोसिटी एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ चार्ट देख। अभी तक देखो वाई इक्वल टू 3 साइन ऑफ पाई टी बाई 3 माइनस एक्स बाई 5 प्लस पाई बाई 4 स्टैंडर्ड जो हमारी इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करो। वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 ऐसे ही होता है ना। 5 इज इनिशियल फेज, तो इनिशियल फेज से इधर कुछ दिया नहीं हो गया। वेलोसिटी दिया, एम्पलीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर सो ये भी दिया, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। वेलोसिटी अच्छा फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ अगर हमें मिल जाए तो वेलोसिटी मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ मुझे मिल जाए वी इक्वल टू न्यू लैम्डा, हमें पता है ना वी इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो ये मिल जाएगा तो वी मिल जाएगा। तो ये दोनों को करेक्ट होना चाहिए, वी को करेक्ट होने के लिए मीनिंग बाई ए दोनों में एक तो करेक्ट नहीं है ठीक है। ए दोनों करेक्ट हो जाएगा तो ए भी करेक्ट हो जाएगा, तीन ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो आइदर दिस करेक्ट और दिस करेक्ट, लेट देखते हैं। सिंस इट इज गिवन लाइक दिस ओमेगा टी ठीक है, इसको थोड़ा सा करते हैं। ए साइन ऑफ ओमेगा मतलब क्या? 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स प्लस 5 कंपेयर करो x बाई फाइव तो दिखाई दे रहा है 2 पाई बाई लैम्डा जो है वो 1/5 का बराबर है। तो इधर एक पाई भी है सॉरी इधर ए वाला जो इक्वेशन है ना जो गिवन इक्वेशन है उसको थोड़ा सा ठीक कर दो, साइन ए पाई इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दो पाई टी बाई 3 माइनस पाई एक्स बाई 5 प्लस पाई बाई 4 नथिंग डिफिकल्ट है, पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इधर 2 पाई होता है तो 2 पाई से कर दो ना, 2 पाई बाई टी करोगे तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करके 6 आएगा माइनस 2 पाई एक्स 2 से ऊपर करोगे तो नीचे 10 आएगा ठीक है। पूरा स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ ठीक है, गड़बड़ मत करना। ऊपर नीचे तो 2 पाई बाई टी होता है तो टी इसके साथ ए और ए दोनों अगर आप इक्वेट करोगे तो देखो ए इक्वल टू 3 हो रहा है जो आपको नहीं दिया, टी इक्वल टू 6 हो रहा है, टाइम पीरियड तो दिया ही नहीं, लैम्डा 10 हो रहा है, लैम्डा इक्वल टू 10 मीटर दिया क्या, लैम्डा वेवलेंथ 10 मीटर मिल गया। फ्रीक्वेंसी देखने का जरूरत है, फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू 1/T इक्वल टू 1/6 1/6 पॉइंट थोड़ी होता है 1/5 पॉइंट।
डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया मैंने क्या क्या किया? देखो इक्वेशन दे दिया, हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन इज दिस, दिस ओमेगा मतलब क्या, 2π/T, 2π/λ। हमारे ये इक्वेशन में इधर पाई है, 2π हमें चाहिए था, तो 2π कर लिया, 2π T/6, 2π x/10। तो मैच हो गया ये दो इक्वेशन, ये दो इक्वेशन को मैच करने के बाद हमें क्या मिला, λ = 10, which is what are the options। समझ में आया? थोड़ा सा अलग तरीके से वाला क्वेश्चन दिया, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा देख के डर लग जाता है मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा धीरज से स्टैंडर्ड इक्वेशन को ठीक से सोच के करोगे एंड जस्ट कंपेयर ही करना है और कुछ नहीं करना, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन दिस वे आई हैव एक्सप्लेन्ड लास्ट 20 इयर्स ऑफ क्वेश्चंस। यू बेनिफिटेड, डू वॉच।